खबरें विस्तार से। 15वीं राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण आज प्रश्नकाल के साथ शुरू हो गया। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हो रही है। इस बार सत्र 11 मार्च तक चलने की संभावना है। इसके बाद 15 मार्च के पहले प्रदेश के जयपुर, कोटा और जोधपुर के 6 नगर निगमों के चुनाव का ऐलान भी होने की संभावना है। इस एक महीने की अवधि में विधायी कार्य पूरा करने के लिए सदन को शनिवार को भी चलाया जा सकता है। केवल रविवार को सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। 23 फरवरी को राज्य का बजट आने की संभावना है। माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद ही तीनों जिलों में नगर निगमों के चुनाव का ऐलान हो सकता है। सरकार के दामन में इतने सुराख हैं, प्रतिपक्ष को मुद्दों के आधार पर सरकार को घेरने का मौका मिलेगा। टिड्डी ने 12 जिलों की फसल को तबाह कर दी। मुख्यमंत्री जी का दौरा ऊंट कमू में जीरा साबित हुआ। किसान के साथ कर्जा माफी के नाम पर धोखाधड़ी हुई और कानून व्यवस्था का तो आलम ऐसा है, इस राजस्थान के अंदर रोज 12 बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, 6 हत्याएं हो रही है। इसलिए मुद्दों के आधार पर हम सरकार को घेरे। सरकार आने के तत्काल बाद एक कैबिनेट सब कमेटी बनी थी जिसको ये फाइंडिंग करनी थी कि पिछली सरकार के कौन से ऐसे फैसले जो जनहित के खिलाफ थे, और ये सरकार खुद ही बैकफुट पे आ गई क्योंकि उनमें कुछ गोदा पाड़ और निकली सुई या कुछ हुआ नहीं। इसलिए सरकार खाली विद्वेश से काम जरूर करती है लेकिन तार्किक आधार पर उसका कोई मुझे आधार दिखता नहीं। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण का समर्थन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बहुत सर्वसम्मति के साथ में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पर उनको धन्यवाद दिया जाए, लेकिन जैसा प्रतिपक्ष की आदत है किसने किसी बात पर बिना मुद्दों के बात करना, नॉन इश्यूज को इश्यू बनाना, इन सारी बातों से विपक्ष जो है वो अपनी जो असफलता है उनको छुपाने की कोशिश कर रहा है। प्रतिपक्ष जो मजबूत होना चाहिए, अच्छा प्रतिपक्ष होना चाहिए वो दे। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।